Welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic tissue. Guys, आज मैं anatomy and physiology का जो topic है tissue, इसके बारे में बात करने वाली हूँ. और जो इस video में है, मैं आपको पूरी detail में बताऊँगी जो इसको points हैं, क्या क्या points आ रहे हैं और इसमें क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में बताऊँगी कि tissue क्या होता है. सबसे पहले इसमें बताया गया है, a tissue is a group of similar cells that usually have common embryonic organ and function together to carry out specialized activity. Body tissue can be classified into four basic types. अब आपको इसमें ये साफ साफ बता रहा है कि एक ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह है जिसे आमतौर पर भ्रूण की उत्पत्ति होती है और विशेष गतिविधि को करने के लिए एक साथ कार्य करता है. इसे क्या है कि फोर टाइप में बांटा गया है, टिश्यू को फोर टाइप्स में बांटा गया है. फोर टाइप्स कौन कौन से वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले इसमें है इपिथीलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू. अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले इपिथीलियल टिश्यू क्या होता है. कवर बॉडी सरफेस, लीवर होलो ऑर्गन्स, बॉडी कनेक्टिविटीज एंड डक्ट्स. इसमें है कि शरीर की सतह को कवर करता है. जिगर के होलो ऑर्गन शरीर के गुहा और नलिकाएं होती हैं, ठीक है. सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गेन्स, बिल्ड्स ऑर्गन टुगेदर, स्टोर एनर्जी, प्रोवाइड इम्यूनिटी. ये बता रहा है इसमें ये क्या करता है कि बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. और ये क्या करता है जो शरीर और उसके अंगों की रक्षा करता है और उनका समर्थन करता है, अंगों को एक साथ बांधता है, ऊर्जा स्टोर करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. ये क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, बॉडी के और ऑर्गेनिल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के उसको प्रोटेक्ट करता है. कनेक्टिव टिश्यू बिल्ड्स ऑर्गन टूगेदर, ये क्या करता है अंगों को एक साथ बांधता है, जोड़ता है, यानी कि स्टोर एनर्जी करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. इसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू, जनरेट फिजिकली फोर्स, मेक द बॉडी स्ट्रक्चर मूव, ठीक है. अब इसमें इन्होंने बोला है ये क्या कहते हैं फिजिकली फोर्स, क्या करता है कि ये जो शारीरिक बल उत्पन्न करता है, ठीक है. और जो इसमें बता रहे कि शरीर की संरचना को गतिमान बनाए रखता है, ठीक है. इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू, डिटेक्ट द वराइटी ऑफ कंडीशन इन साइड एंड आउटसाइड द बॉडी, हेल्प इन मेंटेन होम्योस्टेट्स. अब इसमें आपको ये बता रहा है शरीर के अंदर और बाहर की स्थितियों की गतिविधियों का पता, गतिविधिता का पता लगाता है और इसमें क्या होमोस्टेसिस को बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है. ये नर्वस जो टिश्यू है ये शरीर के अंदर और बाहर की स्थितियों की विधिता का पता लगाता है, होमोस्टेसिस को बनाए रखने में भी हेल्प करता है, यानी कि उसको मेंटेन भी करता है, उसकी हेल्प भी करता है. एपिथीलियल जो टिश्यू है, एपिथीलियल टिश्यू, इसने अपने आप को आगे डिवाइड किया है, इसके भी आगे पार्ट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. ये है एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है. इन्होंने क्या है कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनके आगे आगे पार्ट्स हैं. सबसे पहले इसमें आता है सिंपल एपिथीलियम टिश्यू, सेकेंड है, इसके बाद आता है जो सेकेंड है इसमें है स्ट्रेफाइड एपिथीलियल टिश्यू. इन्होंने सिंपल एपिथीलियम टिश्यू को इन्होंने डिवाइड किया है, सबसे पहले स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूबॉइड एपिथीलियम और इसके बाद आता है जो इसमें बताया गया है इसके भी आगे दो पार्ट्स हैं. इसमें है स्ट्रेफाइड एपिथीलियम टिश्यू, स्ट्रेफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है. इसमें आता है इसके बाद ये है कैरेटाटिनियस एस ई एंड नॉन कैरेटनाइज, इसमें है एस ई, ठीक है. इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है. ये इसके पॉइंट्स हैं, यानी कि इन्होंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि एपिथीलियम टिश्यू क्या होता है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको. एपिथीलियम टिश्यू, दिस टिश्यू कवर द बॉडी एंड लाइन्स कैविटी, इट ऑल्सो कवर होलो ऑर्गन एंड ट्यूब, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स. इसमें इन्होंने कहा है कि यह उत्तक, ठीक है, यह है टिश्यू शरीर और रेखाओं को कवर करता है, यानी कि यह टिश्यू बॉडी को और उसके लाइंस को
कैविटी को यानी कि कवर करता है, और यह होलो ऑर्गन और ट्यूब को भी कवर करता है। यह ग्रंथियों में पाया जाता है, ठीक है, यह ग्रंथियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अपेयरेंस, दी सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दी इंटर क्लोजेस एंड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड मार्टिन इन मिनिमल, दी सेल यूजली लाई ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया, कोशिकाएं बहुत बारीकी पदार्थ जिसे न्यूनतम में मार्टिन कहा जाता है, ठीक है, और कोशिकाएं बहुत बारीकी से पैक की जाती है, इंटरसेल्यूलस पदार्थ जिसे न्यूनतम में मार्टिन कहा जाता है, कोशिकाएं यानी कि बेसमेंट की झिल्ली पर ऐसे ही रहती हैं, यानी कि ऐसे ही पड़ी रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, हमें इसके बारे में बता रही हूँ आपको, ये देख सकते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल कनेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ये क्या होते हैं कि सिंगल लेयर होते हैं, आइडेंटिकल सेल होते हैं, ये सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जितने हैं सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, जो इनकी जो कंसिस्ट, ये सिंगल लेयर में होते हैं, आइडेंटिकल सेल होते हैं ये। नेक्स्ट है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट, इनको क्या किया, इन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे स्क्वेमस एपिथिलियम, क्यूबॉइड एपिथिलियम, इसमें है कॉलोमिनार एपिथिलियम। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वैक्म्स एपिथिलियम, इसमें है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट एपिथिलियल, दिस इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, इसमें है फैटेंट सेल्स, दिस सेल्स फिट क्लोजली टूगेदर लाइक फ्लैट स्टोन्स, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ थिन द एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, इट लिव्स द सेम ऑर्गेन स्ट्रक्चर सच एज हीट, वेयर इट इज नो एज एंडोक्रेनियम ब्लड वेजल्स एंड लिम्फ वेजल, वेयर इट इज नो एज एंडोथेलियम्स। इसे हम पेमेंट एपिथिलियम कहते हैं, ठीक है, इसे हम पेमेंट एपिथिलियम कहते हैं। यह फ्लैट होता है और यह एक सिंगल परत से बना होता है, यह फ्लैट होता है और यह एक सिंगल परत से बना होता है। जो सेल है, जो इसमें सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पार्ट यानी कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और ये स्टोन की तरह बारीकी से फिट हो जाते हैं। यह भी एक पतली और बहुत चिकनी मेम्ब्रेन बनाता है, ये क्या करते हैं, एक पतली और चिकनी मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। यह गर्मी के रूप में कुछ अंगों की संरचना को बनाता है, जहां पर इसे अंडकोश या रक्त वाहिकाएं और लसिका वाहिकाओं के रूप में जाना जाता है, वहां इसे अंडकोश के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप का इसका जो डायग्राम है, इस टाइप का बनेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्क्वेकम्स एपिथिलियम, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का जो टॉपिक था मेरा था टिश्यू, जो कि मैंने आपको स्वकम्स एपिथिलियम तक करवा दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।